मैं उदय शंकर, सहायक निदेशक अभियांत्रिकी आकाशवाणी पटना। आज मैं नवादा में उपस्थित हूँ क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के कान में एफएम ट्रांसमीटर का लोकार्पण होना था, जो हो गया, और जिसमें एक नवादा भी था। इस ट्रांसमीटर के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि एफएम क्वालिटी होने के कारण इसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छा है, और ये नवादा के 12 से 15 किलोमीटर के रेडियस के दायरे में आराम से यहाँ का जनता आराम से सुन सकता है, आराम से लुत्फ उठा सकता है। यह ट्रांसमीटर 100.1 मेगाहर्ट्ज पे ट्यून करने पे सुना जा सकेगा। इस ट्रांसमीटर में न्यूज कंटेंट, विविध भारती के बहुत नए पुराने नए गाने, उसके बाद में गृहिणियों के लिए कार्यक्रम, प्लस और कई भी कार्यक्रम इसमें जुड़ा हुआ है, जो आराम से जनता सुनकर इसका फायदा उठा सकता है। साथ ही साथ देश के किसी प्रकार का न्यूज विद इन 1 सेकेंड्स में आप सुन कर कर करके हर चीज़ में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यह भी मैं कहना चाहूँगा कि एफएम ट्रांसमीटर का सबसे बड़ा यह भी रोल है कि गरीब जनता जो टीवी नहीं खरीद सकता है, डीटीएच नहीं खरीद सकता है, 100-200 रुपया में एफएम रिसीवर खरीद कर कर करके देश के साथ, देश की संस्कृति के साथ जुड़ सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनको मैं प्रणाम करती हूँ, और ये रेडियो प्रसार के लिए हम लोगों को जो आकाशवाणी दिए हैं नवादा जिला का, बहुत अच्छा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जो एफएम की सुविधा नवादा ज़िले में भी उपलब्ध करवाया, जिससे हम सभी को बहुत सुविधा होगी। नवादा में जो पूरे देश में कानवे जो एफएम ट्रांसमीटर का जो उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उसमें एक नवादा भी है, और यह बिल्कुल एक क्रांति होगी। नवादा की जनता के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है कि इसे एक सामाजिक, राजनीतिक, युवाओं के लिए संदेश, किसानों के लिए संदेश इसमें निहित होगा। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, और बिना पैसा का आप दिन भर मनोरंजन का भी आनंद ले सकते हैं, किसानों को खेती का नया नया अनुभव भी आप ले सकते हैं, युवाओं के लिए संदेश भी रहता है, छात्रों के लिए संदेश रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो हर महीने का जो संडे को जो मन की बात होती है, जिसमें कहीं ना कहीं गरीब कमज़ोर तबके की आवाज़ उठाते हैं, वो आवाज़ अब नवादा की जनता भी सुनेगी। इनके लिए उनको ढेर सारी बधाई। उद्घाटन नवादा में हुआ है, और इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी किया है, और इससे हमें फ़ायदा होगा कि हमें काम करते करते भी एंटरटेनमेंट करने का मौका मिलेगा। टीवी नहीं जहाँ देख पा रहे हो वहाँ पे भी एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, जैसे 15 किलोमीटर तक जिसका रेडियस रहेगा और जहाँ हम सुन सकते हैं। अगर 15 किलोमीटर नवादा जिला में जहाँ खेत कल्याण हो, जिससे किसानों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि खेत में बैठे बैठे एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का फ़ायदा होगा। बाइक चलाते हुए, ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए, हर चीज़ का भी फायदा हो सकता है कि अगर हम 2 मिनट के लिए ग्राउंड से बाहर बैठ रहे तो हम कुछ सुनने का मन हो, कुछ मूड फ्रेश करने का मन हो, रिलैक्स करने का मन हो, तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लिया या फिर चालू कर लिया, ग्राउंड पे भी इसको यूज़ कर सकते, इससे बहुत फ़ायदा होगा। जो आज हमारे इतने छोटे डिस्ट्रिक्ट नवादा में आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर नवादा का उद्घाटन किया, और जैसे हम लोग पहले बड़े बड़े शहरों में हमेशा घूमते थे, रहते थे, तो वहाँ पे बहुत सारा एफएम का चुटकुला और कहानी, गाना वगैरह सुनने में अच्छा लगता था, और हम लोग बहुत मनोरंजन कर पाते थे। वैसे ही अब हम लोग नवादा एक छोटे से ज़िला है, उसमें भी हम लोग अब ये सब हमारे सारे जितने भी पब्लिक हैं नवादा के, सब मज़ा ले सकते हैं एफएम का। और इससे है कि छोटा छोटा जानकारी, छोटी छोटी जो भी जानकारी है सभी को, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी अपना, जैसे कि प्रधानमंत्री आज बता रहे थे कि माओवाद क्षेत्रों में भी हमारा आकाशवाणी एफएम का ट्रांसमीटर काम करेगा और सभी को इसका लाभ मिलेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम लोग पूरे जिलावासी के तरफ से उनको आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने आज पूरे देश में 91
जगहों पर एफएम रेडियो का शुरुआत किया है। पहले से भी भारतवर्ष में एफएम रेडियो चल रहा था, हम लोग बड़े बड़े शहरों में जाते थे तो एफएम रेडियो का लाभ ले पाते थे, लेकिन अब हम लोग सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोग इसका एफएम रेडियो का लाभ लेंगे। नवादा में भी, नवादा जिला में भी एफएम रेडियो चालू हो गया है। इसका प्रसारण 15 किलोमीटर दूर तक हम लोग को बढ़िया से आसानी से मिलेगा। एफएम रेडियो से बच्चों को भी मनोरंजन का साधन मिलता है, महिलाओं का साधन मिलता है, और जंगली क्षेत्र में रहने वाले जिनका कोई साधन नहीं था उनको भी एफएम रेडियो के माध्यम से बहुत कुछ लाभ मिलेगा। हम लोगों के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी नवादा जिले को जो ये सौगात दिए हैं एफएम बैंड का, इसके लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नवादा जिला की जनता की तरफ से बहुत, नवादा जिला की जनता उनके आभारी रहेंगे। और ये तो उनकी सोच ही है कि इंडिया को आगे बढ़ावें। अगर समाज के नीचे तबके के लोगों को सही सूचना समय पर दी जाएगी तो उससे वो अपना बचाव से लेकर और भी जितना भी काम है सब करेंगे। नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो के उद्घाटन से जनसाधारण को काफ़ी लाभ मिलेगा। ज़रूरत इस बात की है कि जितनी भी जनोपयोगी योजनाएं सरकार की होती हो उन योजनाओं को एफएम रेडियो के माध्यम से साधारण जनता तक पहुंचाया जाए। जब साधारण जनता तक पहुंच जाएगी वो योजना और उस वो योजना का कार्यान्वयन का तरीका साधारण जनता को जब मालूम हो जाएगा तो उसका लाभ उठा पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि योजनाओं की जानकारी जनसमुदाय को हो नहीं पाती है और उसका लाभ वो उठा नहीं पाते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छी योजना है। जनसमुदाय को सारी चीज़ें सरकार की योजनाओं के बारे में बताने के लिए जो उनके लिए उपयोगी है। और साथ ही एफएम रेडियो का यह भी दायित्व तो होगा कि जनता की जो आवाज़ है, जनता जो कहना चाहती है, जो कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं और जनता चाहती कि इस कार्यक्रम से जनता को लाभान्वित किया जाए तो जनता की आवाज़ को भी सरकार तक पहुँचाया जाए, ये एफएम रेडियो का दायित्व तो होगा। और तभी एफएम रेडियो का लाभ जनसाधारण को मिलेगा और पूरे देश को मिल सकेगा। जय हिंद। नवादा शहर में एफएम रेडियो का शुभारंभ हुआ, इसके लिए हम सभी नवादा वासी बहुत ही प्रसन्न हैं और व्यक्तिगत रूप से आप सब लोग का इसके साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा सेवा का प्रचलन किया। इसके अलावा एफएम रेडियो से हमारे गरीब से गरीब व्यक्ति को इसका फायदा मिलेगा, जो किसान है उसको ये जानकारी मिल जाएगी निशुल्क कि कल वर्षा होगी, परसों बाढ़ आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्या हाल है मौसम का। इसके अलावा जो कार मेंटेन करने वाले लोग हैं उनको भी ये सुविधा मिलेगी कि गाड़ी चलाते हुए भी वो एफएम रेडियो का आनंद लेंगे, जो भी समाचार है उसकी जानकारी उनको मिलेगी। इसके साथ ही साथ उनको मनोरंजन का जो भी प्रोग्राम होगा उसका आनंद लेंगे। धन्यवाद सर। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जिनके द्वारा आज नवादा में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम उन्होंने किया है। नवादा नगरवासी सदैव उनकी दीर्घायु होने की कामना करती है और जो आपने ये सौगात दिया है नवादा जिला को ये जीवन भर आपका ऋणी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। की जो शुरुआत नवादा में भी हो गई है और इसके माध्यम से गरीब गुरबा के बीच में, गरीब गुरबा के बीच में भी एक बड़ा मैसेज है और फ्री निःशुल्क सेवा जो मिलती है उस माध्यम से कई जो जानकारियाँ, सटी जानकारियाँ जो है वो मिल रही है और एक अच्छी शुरुआत है। जो सरकारी सुविधा का जो लाभ है लोगों को मिल सकेगा। आज के टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज है सही न्यूज सही लोगों तक पहुंच पाना। अभी हम लोग के पास, सबके पास स्मार्टफोन है, लेकिन उसके बावजूद सबके स्मार्टफोन में यूट्यूब भी है और इस यूट्यूब में हजारों हजार चैनल हैं न्यूज़ के, उसके बावजूद भी बहुत सारी फेक न्यूज़ हमारे आसपास आती जाती है। अगर हमको एक सच्चा न्यूज और सही न्यूज़ चाहिए तो उसके लिए हमें बहुत अभी भी जो हमारा डिपेंडेंट और बहुत अच्छे चैनल्स हैं उन पर हमें डिपेंडेंसी रहती है। अगर एफएम के माध्यम से हम लोगों को सही सूचना, सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाएगी। दूसरा भी सबसे बड़ा फायदा होने वाला है इससे
लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए एकदम घर जाने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम करते हुए भी इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, किसी भी काम करते हुए इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, खास करके जो हमारे छात्र हैं पढ़ाई करते हुए इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। और हमारे छात्रों के लिए सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है, उनको यहाँ पर अप्रेंटिस इंटर्नशिप करने का मौका मिल जाएगा, उनसे उनको उनके करियर की ग्रोथ में काफ़ी बेनिफिट होगा।